मेरी माँ के ब्लाउज और पेटीकोट में मुझे भेजा और मेरे भाई को अंडरवेयर्स में भेजा। और उसके बाद भी तीन भाइयों ने मेरे साथ एक रात मेरा रेप किया। मुझे बताया कि मैं घर से एक पुरुष के कपड़े पहन के उस चोगा को, पुरुष नाम के चोगा को पहन के बाहर जाती। आज मैं जवान हूँ इसलिए कमा रही हूँ, या किसी सड़क के कोने या किसी के रूम के पंखे में लटकी मिलूँगी। फिर आखिरी और जो अंतिम फैसला था वो मेरे पास बचा। एक रात मैं उस बचपन में मेरी माँ के कान के बाली कटते हुए और खून से लथपथ को देखा। एक रात मैंने खुद को गमछे से लपेटे हुए अपने शरीर को रेप होते हुए देखा। एक रात मैंने 200 रुपए के लिए किसी को अपना शरीर बेचा। एक रात मैंने ताली बजाकर भीख जो मांगते वो किया। आज जो मैं हूँ उस पर मैं गर्व करती हूँ। और आपने भी कहीं ना कहीं मेरे या किसी शहर में मेरी कला को देखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम कर्णिका बाई है, लेकिन आज से कुछ साल पहले मेरा नाम प्रदीप बर्मन हुआ करता था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव है पश्चिम बंगाल में कूचबिहार, जहां राजवंशी ट्राइब रहती है, उस फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा की 2 बीवी ऑलरेडी थी, मेरी माँ तीसरी बीवी थी उनकी। 2 बीवी के ऑलरेडी 2 लड़के थे और जब मैं जन्मी मैं भी लड़का पैदा हुई। और मेरे पापा को थी कि उम्मीद एक लड़की घर में पैदा हो, क्योंकि हमारे वंश में सिर्फ लड़के ही लड़के थे, तो उनको उम्मीद था कि एक लड़की पैदा होगी घर में। लेकिन जब मैं लड़का पैदा हुई और लड़का पैदा होकर लड़कियों की तरह व्यवहार करने लगी, तो वो उनको शायद परेशान करा। वो समाज के डर से मुझे, जिस भाषा से मुझे चिढ़ाते थे, मेरा जो वर्बली अब्यूज़ करते थे और साथ में छोकरा बोलते। मेरे पापा जो थे वो मुझे छोकरा, हाफ लेडीज़ और पता नहीं किन किन नामों से चिढ़ाते थे कि ये क्या पैदा कर दिया समता तूने, मैंने तो लड़की मांगा था, तू लड़का दे के लड़की की तरह एक लड़के को पैदा कर दिया। वो मेरे लिए बहुत दुख होता था कि मैं सच में इस समाज में लायक नहीं हूँ कि मुझे इस तरह से मेरे जो जिन्होंने जन्म दिया वो मुझे ऐसे बोलते हैं। जब मैं बड़ी होती गई, जब मैं 8 साल की हुई, मेरे पापा का जो अब्यूज़ था वो मेरी माँ के तरफ बढ़ने लगा। डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ, मेरी माँ का कमर तोड़ दिया उन्होंने, ईंट से सर फोड़ दिया। और मेरी माँ 2 बच्चों को लेके कहाँ जाती, जयपुर शहर में अकेले। उस डर से उन्होंने उनको छोड़ा नहीं और वो झेलती गई। जब 7-8 साल की उम्र की हुई मैं, मेरे पापा एक दिन दारू पी के आए, बहुत ज़्यादा दारू पी के आए रात को 2 बजे। और मेरी माँ को बोला पैसे दे, मुझे और जाना है और दारू पीना है। मेरी माँ बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, तुम कहाँ से पैसे दूँ। तो उन्होंने पहले मेरी माँ को बाँस के डंडे से मारा। मारने के बाद मेरी माँ के कान में बूंदे थे जो सोने के थे, उनको उन्होंने दोनों कानों उंगली रख के ऐसे खींच के दोनों कान अलग कर दिए यहाँ से, जहाँ पियर्सिंग होती है। वो इतना दर्दनाक पल था। मेरी माँ ने उस चीज़ को झेलते हुए, खून से लथपथ, अपने आप को संभालने से पहले वो हम दोनों को उठा के बाहर कोशिश करी। और मेरे पापा ने उनको गेट बंद करके बहुत ज़्यादा मारा उनको। मेरी माँ इतनी लाचार हो चुकी थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब मुझे लगा मैं घर की बड़ी हूँ, मेरी माँ को मैं संभालने वाली हूँ आगे, तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं उनको लेके बाहर लेके निकलने को, और तब मेरे पापा ने हमारे कपड़े उतरवाए और बोले इस घर से जाओगे तो मेरे पहने हुए पैसों के कपड़े भी देके जाओ, कुछ नहीं लेके जा सकते। मेरी माँ के ब्लाउज और पेटीकोट में मुझे भेजा और मेरे भाई को अंडरवेयर्स में भेजा। और उसके बाद भी रोड पे हमें मारा। जब उस घर से निकल के मौसी के घर में गए, उनके वहाँ रहने लगे, वो दर्द कम नहीं हुआ। मेरी माँ हर चीज़ का कसूरवार मुझे ठहराती थी, क्योंकि तू आज ऐसा नहीं होता तो शायद तेरे पापा मेरे साथ ऐसा नहीं करते। मेरे दूर के रिश्तेदार के 3 भाइयों ने मेरे साथ एक रात मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, मेरा रेप किया। मुझे बताया कि हम बस एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं जिसमें कपड़े उतारते हैं और हाथ पैर को बांधते हैं गमछा से। उन्होंने बोला तुम तेरे कपड़े उतार दे, फिर हम बताते कैसा गेम स्टार्ट होगा। हमारे घर में उन्हें एक चारपाई थी, उस चारपाई में उन्होंने मेरे गमछे से हाथ और पैर को बांधा और बोला उल्टा लेट जा, तुझे पता चले, गुदगुदी होगा तुझे पहले, हाँ, जब तुझे कोई छुएगा तो तुझे पता, उस चीज़ को फील करेगा तो तुझे मज़ा आएगा, उस चीज़ को फील कर हम तुझे क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे, फिर गमछे से ही मेरे मुंह को पीछे से एकदम अच्छे से टाइट से बंद, ताकि मैं चीख नहीं सकूं। दो भाइयों ने मेरे अच्छे हाथ पैर बांधने के बावजूद, एक ने मेरे मुंह को दबाया और एक ने मेरे पैर को दबाया और एक तीसरे बंदे ने मेरा रेप किया। और ये सिलसिला रात के कम से कम 2 से 3 बजे चला। और उस सिलसिले में जब मैं उस दर्द में थी, मैं चीखना चाहती थी कि मैं चीख नहीं पा रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं 8 साल की थी। तब मैं लड़की नहीं थी, मैं एक मासूम सा लड़का था, जिसके साथ उन्होंने पूरी रात अपनी दरिंदगी, अपनी हवस को मेरे ऊपर निकाला और फिर मुझे छोड़ा। पूरी रात अकेले पड़े उस रूम में बंद करके। 14 साल की हुई तब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिस ट्राइबल एरिया की हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ एजुकेशन के नाम पे सिर्फ 8वीं या 10वीं पढ़ाई जाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मेरे घर वाले को नहीं पता था, राजवंशी हूँ, उनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि हमारे गांव में ये बहुत, लड़के कपड़े पहन के डांस कर सकते हैं, गाना गाने जा सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाच सकते हैं, लेकिन एक पूरी तरह लड़के से लड़की नहीं बन सकते। तो उस चीज़ से मैं घुट रही थी। जब मैं टीन एज में आई, मैं घुटते घुटते अपने आप को, कई बार अपने आप को चोट पहुंचाया कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरा शरीर और मेरा मन जो है वो एक नहीं हो पा रहा। ये बात फरवरी की है 2015 में, 10 तारीख को। मैं घर में चुप थी और मैं घर में काजल लगाती थी चुपके से। मेरी मम्मी आने से पहले काजल लिपस्टिक हटा के एक आदमी की तरह रहने लगी उनके सामने। जब वो जाती, मैं फिर अपने आप को उस वेश में डालती जो मैं हूँ। और मैंने उस सुबह सुबह, मेरी माँ रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते मैं पीछे गई। मैंने बोला, कुछ मदद चाहिए माँ? तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा, तू स्कूल जाने की तैयारी कर। फिर मैंने बोला कि माँ, आज तुम्हें एक बात बतानी मेरे बारे में, शायद तुमको पता भी होगा मैं क्या बात करना चाहती हूँ। तो माँ ने बोला, बोल, क्या बोले? पैसा चाहिए? किताब के लिए कुछ चाहिए? बोला, नहीं माँ, मैं आप जो सोचते हो मैं वो नहीं हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ मैं भले ही आपने मुझे जन्म एक बेटे के तौर पे दिया, लेकिन जो मेरा लिंग है और मेरा जो अंदर से मेरी जो आत्मा है वो अलग है। मैं एक अंदर से औरत हूँ और एक लड़की हूँ। मुझे ये शरीर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एक बंद पिंजरे में कैद जैसा फील हो रहा है। मेरी माँ उसी टाइम सर पे हाथ दी और बहुत दर्दनाक आवाज़ से बोली, बेटा तू हाफ लेडी छक्का है। वो समझ नहीं पाई कि उनको उस टाइम क्या बोलना चाहिए, और वो शब्द मुझे और ज़्यादा आहत कर दी, क्योंकि मैं बचपन से ही वो चीज़ तो सुनते आ रही हूँ लोगों से। लोग मुझे यही तो बोलते रहे, तू हाफ लेडीज़ है, तू छोकरा है, तू छक्का है। और वही शब्द जो मैं प्यार करता है, जिन्होंने जन्म दिया, वही अगर ये शब्द बोले तो मैं उस जगह कहाँ जाती। मैं टूट गई और मैं माँ को बोली, नहीं माँ, छक्का शब्द का मुझे मतलब पता नहीं, लेकिन मैं जो हूँ, मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। मैंने इसके बारे में गूगल, इंटरनेट सब में सर्च किया है कि ऐसे ऐसे होता है, जेंडर बदलते हैं। तो मेरी माँ बोलती है कि तू भी ये सब करेगा, तेरे पापा छोड़ के गए वो कम था, जो अब तू ये सब करके और मुझे बदनाम करना चाह रहा है। और इस बात को हम आगे नहीं बढ़ा पाए ज़्यादा। मेरी माँ बस चुप रही और बोली, तू स्कूल जा, मुझे बात ही नहीं करना तेरे इस बारे में, फालतू बात कर रहा है जो मेरे समझ से बाहर है। उस दिन मेरी माँ तो मुझे नहीं समझी, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैं क्या हूँ। जैसे तैसे इस आदमी के शरीर से मैंने 12th पास आउट किया और वो समय बीता गया। मैं भी बड़ी होती गई और अपने आप को जानने लगी। मैं घर से एक पुरुष के कपड़े पहन के, उस चोगा को, पुरुष नाम के चोगा को पहन के बाहर जाती। मैंने किन्नर समाज में अपना एक गुरु बनाया। गुरु के घर पे जब मैं अपने आप को देखती तो मैं वहाँ खुद को महसूस कर पाती थी। उनका घाघरा मुझे वो पहनाती थी, मुझे लिपस्टिक लगाती थी, उनके जो चांदी के भारी घुंघरू वाले पायजे पहना के डांस करवाती थी। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लेजर था और मैं समझ गई थी कि ये जगह मेरी है। मैं लोगों के घर घर जाती थी, ताली बजाती थी, उनको अपने अदाएँ दिखाती थी कि मैं ऐसी हूँ, बाबूजी आप पैसे तो देना पड़ेगा, हम आए हैं बधाई लेने। और इस तरह से जब उनके पास जाती, वो खुश होते, उनको दुआएं देती बहुत सारा कि आपका सब कुछ सही रहे, आप खुश रहो, आप आबाद रहो, ये बोल के वो पैसे देते। फिर उन पैसों से इकट्ठा करती और जब मैं घर आती पैसों को लेके तो मुझे एक अलग खुशी मिलती थी कि मैं ये कमा के लाई हूँ, मैं जो हूँ उस चीज़ से कमा के लाई हूँ। क्योंकि उस वक्त मेरा नज़रिया सिर्फ उस जगह ही था कि हाँ हमारी किन्नरों का जो जीवन है वो सिर्फ ताली बजाने के लिए। और मैंने देखा मेरे गुरु और उनके जो और गुरु हैं सब एक जगह रुके हुए थे, जो ज़िंदगी में सिर्फ उनका सुबह का रूटीन बधाई बस्ती में जाना है और शाम को आके घर में सोना है। तो उस ज़िंदगी से मैं खुश होने नहीं लगी, क्योंकि पैसे मिल रहे थे लेकिन मैं उड़ने के लिए बनी थी, जो उड़ना चाहती थी पढ़ी लिखी होने के बाद। तो मैं क्यों उस पिंजरे में बंद रह हूँ। वो फिर मुझे एक पिंजरे में बंद कर रहे थे, एक कंफर्ट जोन में रख रहे थे कि आप तुम इस समाज में और इसी में रहो, मैं उसमें नहीं बन सकती थी। तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैंने अखबार में एक इश्तहार देखा कि मेरे जयपुर में जहाँ रहती हूँ उधर ही पास में एक रिसेप्शनिस्ट का वैकेंसी निकला है और मैं वहाँ चली गई। सिंपल कपड़े पहने थे मैंने, एक कुर्ती और लेगी पहनी और चुन्नी डाल के एक बिंदी और लिपस्टिक काजल लगा के पहुँची। अंदर घुसते ही गार्ड ने पहले रोका मुझे, रुको बुआ जी बुलाते हैं, हमारे वहाँ मौसी और बुआ बुलाते हैं, आप क्यों अंदर जा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई आ जाने की, आज तो कोई त्यौहार नहीं है, आप तो होली या दिवाली में आते हो हमारे यहाँ, आज क्या बात हो गई, आप यहाँ क्यों आए हो। मैंने बोला नहीं सर, यहाँ होली दिवाली की बात नहीं है, मैंने पेपर में आपका ऐड देखा था इसलिए आई हूँ कि मुझे भी नौकरी चाहिए। अरे आप लोग नौकरी कब से करने लग गए। मैं वहाँ टूट गई कि हम नौकरी कैसे कर सकते हैं, सच में हम लोग कब से नौकरी करने लगे। मैंने बोला भैया एक बार अंदर जाके बात तो करने दो, नौकरी करना ना करना हमारा है और आपको देना नहीं देना वो तुम्हारा है, अंदर तो जाने दो। जब एचआर के पास गई, वो एक लड़की थी बहुत शांत सुशील, जो मुझे बोली देखो दीदी हम आपको अगर नौकरी पे रखते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को कम्फर्ट फील नहीं करेंगे। और मैं ये सोचते रह गई क्या मेरे शरीर में कांटे लगे हुए या फिर मैं कुछ अजूबा हूँ जो मुझे उनको दिखता है कि मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ पर सिर्फ ताली और सेक्स वर्क है। फिर आखिरी और जो अंतिम फैसला था वो मेरे पास बचा मेरा देह व्यापार सेक्स वर्क। एक बंदे ने अप्रोच किया मुझे कि आ जाओ आपके साथ हम आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और मैं गई, मैं सोची जाना चाहिए पैसे आएंगे। और जब मैं गई वो बंदा मुझे अपने प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के बाद 200 रुपये 100-100 के 2 नोट मुझे दिया और बोला ये लो, ये आपकी वो है, आपकी कीमत इतनी है, आप इतना ही डिजर्व करते हो। जब वो 200 रुपये मैंने लिए हाथ में लेके मैं गाड़ी में बैठ के घर आ रही थी, मैं रोते हुए आई कि 200 रुपये मेरा शरीर 200 रुपये के लिए है। उस 200 रुपये लेकर आ गई और वो सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि मेरा पेट मुझसे खाना मांगता था, ये शरीर कपड़ा मांगता था, रहने के लिए जो छत थी उसका मकान मालिक हर महीने के 5 तारीख आके अपना किराया मांगता था। तो मैं वो सिलसिला जारी रखी। और लेकिन उस सेक्स वर्क से भी मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं एक पिंजरे में हूँ, वो पिंजरा जिसमें सिर्फ मेरा शरीर काम कर रहा है। आज मैं जवान हूँ इसलिए कमा रही हूँ, बुढ़ापे में वो पिंजरा में कैद हो जाऊँगी या किसी सड़क के कोने या किसी के रूम के पंखे में लटकी मिलूँगी। तो मुझे बस निकलना था, और वो कैसे निकलूँ। मैं बचपन से ही थोड़े कलाकारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, ड्राइंग में, हैंडमेड चीज़ों में, पेपर मेशिंग में। तो मैं अपना छोटा सा काम स्टार्ट किया, मैं पेपर मेशी के घर सजावटी सामान बना के एग्जीबिशंस लगते जयपुर में वहाँ सेल करना स्टार्ट करी। वो सेल मैं एक पुरुष के रूप में करती थी, वहाँ मैं अपना जेंडर नहीं बता सकती थी कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। उस जगह में बस पुरुष के तरह एक जो हमारे समाज में पुरुष की जो परिभाषा है उस तरह से मैं खड़ी होकर उस सामान को बेचा करती थी। वो आर्ट के जो सामान मैं बनाने लगी वो बिकने लगे, क्योंकि मैं उसमें अपनी क्वालिटी और अपना टाइम देती थी तो लोगों को अच्छा लगने लगा और वो मेरा इनकम जनरेट करने का एक नया साधन मिल गया। मेरे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसों की ज़रूरत है वो पैसे उस आर्ट के ज़रिए आने लगा। और मैं अपना सामान बना के लोगों को बेचती थी, लेकिन एक पुरुष के तौर पे उस टाइम मैंने अपने आप को बताया नहीं कि मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम मैं बता देती तो शायद मेरा सामान कोई नहीं खरीदता। मैं बस मेरे उस दौर में अपने आप को इतना स्टेबल करने लगी, अपना पैसे जमा करने लगी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे बदलना है और मैं इंडिपेंडेंट होने लगी। उसी बीच मेरे घर वाले भी मुझसे जुड़ने लगे, मेरे घर वाले भी मुझे स्वीकार करने लगे। मेरी माँ कहने लगी कि भले ही मैंने तुझे एक बेटे के रूप में जन्म दिया, लेकिन बच्चा तो मेरा ही है, तो तू दूर रहेगा तो मुझे दर्द मिलेगा, तेरा पापा छोड़ के गए तो तू तो मत छोड़ के जा, तू भी मेरे पास आ जा वापस। वहीं से मेरा एक्सेप्टेंस शुरू हुआ मेरे घर वालों के लिए, और मेरे घर वाले मुझे स्वीकार करके मैं घर में रहने लगी, और मेरे घर वाले मेरे साथ काम करने लगे, हाथ जुटाने लगे मैं जो काम करती थी कला का। और उस जगह फिर मेरे घर वाले, मैं जहाँ एग्जीबिशन करने जाती मेरे साथ मेरा भाई या मेरी जो भी कजन सिस्टर है वो मेरे साथ जाते, वो और मेरे साथ वो सामान बेच के आते। और मेरी खुशियाँ जो है पहले लिमिट में थी, वो लिमिट से बाहर होने लगी और मैं अपने जीवन को इंडिपेंडेंटली जीने लगी एक बतौर आर्टिस्ट के तौर पर। 2017 में मार्च में अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था है जो जयपुर में आके मेट्रो स्टेशन पे पेंट करने वाले थे। जयपुर की पुष्पा माई है जो महामंडलेश्वर है किन्नरखाड़े की, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कहा कि तू भी आर्टिस्ट है, आजा हमारे हिजड़े लोग पेंट करने वाले एक दीवार। और मैं बहुत खुश हुई कि पहली बार शायद मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ जाके पेंट करने वाली हूँ। तो मैं वहाँ गई और वो संस्था मुझसे जुड़ के मेरा काम देखा और मुझे अपने उस ग्रुप में ऐड करा और मुझे अलग अलग शहरों में, जहाँ पहले मैं सेक्स वर्क के लिए जाती थी, बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद, बेंगलोर सेक्स वर्क के लिए जाती थी, अब उन जगहों में मैं पेंट करने जाने लगी। और मैं उस तरह से खुद को डेवलप करके एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट के रूप में जाने लगी। जो कभी प्रदीप हुआ करता था वो अब कर्णिका बाई नाम से जाने लगी। लोग जो मुझे बुलाते हैं, मैं बड़े बड़े कंपनियाँ, नेस्ले, नेटफ्लिक्स, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, बुक माई शो, इन सब बड़े बड़े कंपनियों में जाके अपना काम, अपना हुनर दिखाने लगी और मेरी पहचान बनने लगी। आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में जब आप लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में जाते, स्टार्ट इंडिया का, वहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है बड़ी दीवार पे, आपने वो देखा, वो हमारे द्वारा बनाई गई है। आप बॉम्बे के हाजी अली रोड पे जब लव सिग्नल पे जाएंगे, वहाँ पे एक लंबी दीवार पे पुरानी फैक्ट्री की, उस पर जो पेंटिंग वो मैंने बनाई है, मेरे साथ वालों ने बनाई, वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने बनाई है, वो आपने देखा है। आज ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में आप दिल्ली में जब आएंगे, उनकी दीवारों पे बाहर पेंटिंग बनी हुई है, उन दीवारों का आपने देखा है, वो भी हमने बनाई है, एक ट्रांस वुमेन ने बनाई है। आपने लोलापालोजा का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है बॉम्बे में। पिछले साल वहाँ हमें मौका मिला पेंट करने का, जहाँ इमेजिन ड्रैगन जो सिंगर है पूरा वर्ल्ड फेमस, वो इंसान आया था और हमने वहाँ पेंट किया है। वहाँ पे हमने पेंट करके बताया कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, बस हमें उस मौके की तलाश है और वो मौका आप लोग नहीं दोगे तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिद है उस चीज़ का। बचपन से ही मेरी एक जिद थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इस समाज में उस चीज़ को बदलूंगी जहाँ पे हमें सिर्फ उस नज़रिए से देखा जाता है कि हम बस सेक्स वर्क या फिर हम ताली बजा के पैसे कमा सकते हैं, सिग्नल पे खड़े हो सकते हैं। और मेरी जो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में रंग भरे, खुद को जान के, अपने आप को पहचान के, खुद को बदल के, जो मैं पहले थी और अब जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में रंग भरा और अलग अलग जगह शहरों में जाके मैं उस रंग को बिखेरती हूँ, उस रंग से लोगों को बताती हूँ कि इस दुनिया में कितने रंग हैं, किस तरह के लोग हैं, उस चीज़ को स्वीकार कीजिए। बचपन से जो मैंने कठिनाइयाँ, मुश्किलें देखी, डोमेस्टिक वायलेंस देखा, सेक्सुअल अब्यूज़ देखा, भीख मांगना देखा, वो सब से निकल कर मैं आज जो आपके सामने हूँ वो मैं कर रही हूँ, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, आप बस हिम्मत रखिए। यही विश्वास के साथ धन्यवाद, नमस्कार सभी को। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।